सब्सक्राइब कीजिए LON न्यूज चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले जानने के लिए। में एक बार फिर आपका स्वागत है और जैसे कि सभी जानते हैं कि मैं जम्मू से किसी ना किसी पर्सनालिटी से आपको मिलाती रहती हूँ। जी हाँ, और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने कार्यालय क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। मैं बात कर रही हूँ SDM अखनूर श्री गोपाल सिंह जी की, जो कि अभी अखनूर में SDM है और इन्होंने बहुत मेहनत से, लगन से ये मुकाम हासिल किया है। आज हम इनसे छोटी सी मुलाकात में जानेंगे कि किस तरह से इनकी जर्नी रही है आज तक, और हम इनसे ये भी जानेंगे कि आगे इनके क्या प्लान्स हैं। और अभी मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ श्री गोपाल सिंह से। आइए बात करते हैं इनसे। वेलकम सर। सर, पहले तो लाइट ऑफ नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरी इंटायर टीम की तरफ से आपका बहुत वेलकम करती हूँ अपने शो में। सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उनको एक अपना इंट्रोडक्शन, उनको अपनी जुबानी, अपनी कहानी खुद सुनाइए। मेरा नाम तो गोपाल सिंह है, मैं पटना का रहने वाला हूँ और जेएनके सर्विसेज में मैं 2000 से आया हूँ और आज SDM में काम कर रहा हूँ। जी सर, पहले तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी एजुकेशन, आपकी एकेडमिक एजुकेशन और किस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। बेसिकली मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, कटरा के पास भागथा मेरा गांव है, जो कटरा से 4 किलोमीटर दूर जिलों पर है और वहां से मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्टार्ट की थी। मैंने 10th हाई स्कूल पैंथर से की, प्लस टू मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा से की और ग्रेजुएशन मैंने डिग्री कॉलेज उधमपुर से की और उसके बाद मैंने PG पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस एडमिटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। जी सर, मोस्टली देखा जाता है कि लोग अपनी शेयर नहीं करते कि कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे आप थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में हमें शेयर करेंगे कि कहाँ कहाँ आपने इतने डिपार्टमेंट्स में आप रहे हैं, तो वहाँ से आप किस तरह से आए और कहाँ कहाँ क्या क्या पोस्टिंग आपने अचीव कर ली है। इनिशियली मैं तो बेसिकली जो मेरा माइंड सेट था वो था कि मैं थोड़े से रिफॉर्म सोसाइटी के अंदर था और उसके लिए हमने एक स्कूल स्टार्ट किया था। हमारा एक ग्रुप हुआ करता था कि वर इंटरेस्टेड टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन द सोसाइटी, जो सोशल लेवल्स हैं उस पर हम काम करें, और उसके साथ हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया था और स्कूल स्टार्ट किया था ताकि हम थ्रू चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे हैं, उनको हम उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनको पढ़ाएं और उनको एजुकेट करें। जो सोशल लेवल्स हैं वो हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद मैं सर्विस में आ गया और मेरी सर्विस 2000 में स्टार्ट हुई थी और उसके बाद मैं तहसीलदार 2008 में बना और SDM मैं 2016 में बना। तहसीलदार आप पहले राबिया अखनूर में रह चुके हैं और लोगों की डिमांड से ही आपको दोबारा यहाँ पे बुलाया गया। इसके पहले सर आप कहाँ पे क्या पोस्ट पे थे वो थोड़ा? अखनूर से पहले मैं विश्वा में था तहसीलदार, उससे पहले मैं जम्मू नॉर्थ में था तहसीलदार, उससे पहले मैं अरली जम्मू में तहसीलदार था, उससे पहले मैं रियासी में रहा तहसीलदार और उससे पहले मैं तहसीलदार किश्तवाड़ में रहा। और जब मैं अखनूर में आया, मेरा एक जनरल फंडा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक के नज़दीक लेके जाता हूँ और जो पब्लिक की जो समस्याएं हैं मैं उनको पर्सनलाइज करता हूँ और खुद की अपनी पर्सनल समस्या समझ करके मैं लोगों को अंडरस्टैंड करता हूँ और उनके साथ ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे मैं मतलब एज ए फ्रेंड काम करता हूँ, फ्रेंडली तौर पर मैं काम करता हूँ। मैं पब्लिक के बड़े नज़दीक जाता हूँ, मतलब मैं एक जो डिस्टेंस है उसको मैं मेंटेन भी करता हूँ और लोगों की समस्याओं को समझता हूँ और उनको हल करने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मेरी कॉम्पिटेंस है, जहाँ तक मेरे दायरे में आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जो रिलीफ हम दे सकते हैं वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। सर, आपने ये केस करा हुआ है, ये कौन सी ईयर में किया था? मेरी इंडक्शन हुई है 2016 में। सर, पहले आप तहसीलदार थे, फिर आपके जहन में
सर किस तरह से आपके जहन में आया कि मुझे केएस करना है? आइडिया मेरा बेसिकली इनिशियल स्टेज पे मेरा आइडिया ये था कि मैं एजुकेशन में जाऊँ जी, क्योंकि मेरा माइंडसेट वो एजुकेशन वाला जी। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसके द्वारा हम डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करके उसके बाद हमारी इंडक्शन हुई है। और इंडक्शन होने के बाद हमें इस पोस्ट पर लाया गया एज एस डी एम। सर आपने बहुत अलग सेक्टर्स में भी काम करा है, तो सर आप वहाँ से निकल गया है, आपने लोगों को ऑब्जर्व भी किया है, तो आपको क्या लगता है कहाँ पे जाके ज्यादा हमें जरूरत है कि अपने एरिया को कैसे डेवलप कर सके? बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत सी चीजें हैं जो सोसाइटी के अंदर हमें करनी होंगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अभी जिस तरीके से हम देखते हैं सोसाइटी में, जैसे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, या दूसरी चीज़ें हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है, बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें काफ़ी काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को तो काम करना ही है, सरकार को तो काम करना ही है, उसके साथ साथ जब तक पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता तब तक जो भी मिशन हो उसमें हम उस तरीके से पास नहीं होते जिस तरीके से हमें पास होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो पब्लिक है उनको भी हमारे साथ आना चाहिए, और पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन अगर साइमल्टेनियसली कंधे से कंधा मिला के चले तो हम जो भी प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की, जो भी पॉलिसीज हैं, उनको हम अच्छे तरीके से आगे ले सकते हैं और ग्राउंड पे उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत जगह देखा जा रहा है, सुनने में क्या सर अब आप यहाँ पे अखनूर में हैं, सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास आते हैं सर, हॉस्पिटल की बहुत इशू रहता है। जैसे कि हमारे अखनूर को लेके चलें तो हमारे अखनूर के हॉस्पिटल में ब्लड के लिए कुछ भी अरेंज नहीं है, अगर ब्लड दिया जाता है लेकिन स्टोरेज के लिए वहाँ पे कुछ नहीं है। लोगों को मेडिसिन आती हैं लेकिन लोगों को दी नहीं जाती, एक्सपायर हो जाती है, डॉक्टर्स टाइम पे नहीं बैठते। अब हाल ही में देखा जा रहा है यहाँ पे ऑर्थो का डॉक्टर 6 मंथ हो गए हैं अभी तक यहाँ पे बैठे नहीं, और लोग इतने भटक रहे हैं। क्या सर एक्सीडेंट्स नहीं होते? क्या बोन्स का यहाँ पे जरूरत नहीं है? उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हमने ये हॉस्पिटल की अथॉरिटीज हैं, इनको डायरेक्शन दी है, लास्ट टाइम मैंने 2-3 बार हॉस्पिटल में विजिट भी किया है, कुछ कमियाँ हमने वहाँ महसूस की हैं और उसके लिए हमने मीटिंग ली इनकी, और हम इसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं और इनको हमने वार्निंग दी है अगर कोई चीज हमारे नोटिस में आती है। और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर कोई ऐसी दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो हमारे नोटिस में लाए और उसको हम रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी हम अपने लेवल पे भी इनको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, जो भी चीजें हमने महसूस की है उस पर हमने इनको डायरेक्शन दी है और फर्दर अभी इम्प्रूवमेंट की काफी आवश्यकता है, उसको हम देखेंगे। सर जहाँ तक ये देखा जाता है कि एजुकेशन, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे कि बहुत जरूरत है काम करने की, हमारे जो पिछले जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो जो कर गए सर, आज का जो बच्चा है उसी को हम लेके चलेंगे। एजुकेशन को देखा जाए तो ये रूरल एरिया भी आता है, अर्बन में भी आता है। सर जो रूरल एरिया है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सर, इनका रिजल्ट देखा जाए क्या रीजन है कि लोग आज भी इतने वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में, फिर भी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही डालना या प्रेफर करेंगे कि हम प्राइवेट स्कूल में? क्या सर यहाँ पे मास्टर क्लासेस नहीं होते? यहाँ पे अगर टीचर आते हैं तो वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से नहीं समझते? वहाँ से जो लोकल टीचर है जिसकी हम बात की जाए सर, यहाँ पे यहाँ तक हमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट इसकी भी आती है कि जो लोकल टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो अपनी ड्यूटी को छोड़ के अपने घर को ज्यादा, अभी जैसे कि लोकल टीचर्स हैं, लेडीज हैं तो घर की रोटी देखने चले जाएंगे, बाजार में चले जाएंगे, हम करेंगे तो सर इस सब चीजों के दौरान बच्चों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उनके रिजल्ट देखा जाए तो सर क्या कहाँ पे क्या चीज की कमी आ रही है, इस पे किस तरह से काम करेंगे? पिछले दिनों मैंने कुछ स्कूलों का चक्कर लगाया है, स्कूलों को इंस्पेक्ट किया है, और जो अखनूर में थे और अखनूर के जो इर्द गिर्द थे
और काफी काफी चीजें मतलब हमने महसूस की हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो नए मंत्री महोदय आए हैं उन्होंने भी इसका कॉन्फिडेंस लिया है, उन्होंने कुछ डायरेक्शन भी लिए हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर दी है कि इस लेवल तक अगर रिजल्ट नहीं होगा तो जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। कुछ त्रुटियां हैं और मैंने जितने भी टीचर्स हैं बहुत से टीचर्स के साथ मैंने इंटरेक्शन भी की है और उनको ये बताया है कि आपको किस तरीके से काम करना है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे टीचर्स हैं उनको महसूस करना चाहिए हमारी ड्यूटी क्या है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ महसूस करता हूँ कि अगर पब्लिक है तो हम हैं, अगर हम पब्लिक नहीं है तो हमारी कोई रेलिवेंस नहीं रह जाती है। मैं इस तरीके का एक मैसेज जहाँ जहाँ भी मेरी इंटरेक्शन होती है वो मैसेज देता हूँ। और जैसे आपने कहा और इसमें जो भी फर्दर जो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी उसमें हम जो हमारे लेवल पे होगा उसको हम करेंगे, जो हमारे लेवल पे नहीं होगा वो हम गवर्नमेंट के नोटिस में लाएंगे। अब हम सर से ये भी जानेंगे कि सर कहीं ना कहीं आप इतने सेक्टर में काम करके आए, आपको क्या लगता है कि आपके तरफ से कोई काम ऐसा जो आप करना चाहते हो और वो रह गया अब तक वो नहीं हुआ है, तो उसके बारे में सर कुछ शेयर करेंगे हम सर? बहुत से काम ऐसे तो बहुत से काम है, जैसे मुझे ये लगता है कि समाज में हमें काफी काम करने की आवश्यकता है और खास तौर पर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इस पर काफी काम करने की आवश्यकता है। सोसाइटी में हमें एक एक जो अपलिफ्टमेंट है उस पर काफी काम करने की आवश्यकता है। और जो हमारा माइंड सेट है, अगर किसी की माइंड सेट नेगेटिविटी है उस पर काम करने की आवश्यकता है। और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन चीज़ों में काम करने की आवश्यकता है। आज आप देखते हैं पानी की इतनी किल्लत हो रही है उस पर काम करने की आवश्यकता है। डिफॉरेस्टेशन जिस तरीके से हो रही है उस पर काम करने की आवश्यकता है। बिजली इस तरीके से मिसयूज की जा रही है उस पर काम करने की आवश्यकता है। इतने फील्ड है जिस पर काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट को और हर नागरिक को इस पर काम करना होगा। अगर पानी की कमी है तो वो हमें भी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी होगी, सरकार को भी होगी, लोगों को भी इसकी दिक्कत आएगी, हम सबको इस पे काम करने की आवश्यकता है। और अगर जिस तरीके से हमारे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिस तरीके से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं उस पे हम सबको मिलकर काम करना होगा। अभी काफी एरिया है जिस पे हमें काम करना होगा और हम सबको मिलकर के आपको भी हमें भी और पब्लिक को मिलकर के वी हैव टू कम एट वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, वी विल हैव टू वर्क ऑल टुगेदर, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज एक ही हिस्सा काम करेगा दूसरा हिस्सा बैठ जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हमें करना चाहिए। और सर अभी ये तो रहा हमारा डिपार्टमेंट से, तो अब तो हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंसान की ये हॉबीज भी छुपी होती है, तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगी आपकी हॉबीज क्या रहती है? मैं बच्चों से एक बड़ा इंटरेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मुझे जो शौक है, मैं जो अपना माइंड है इसको मैं स्टडी कर रहा हूँ और जो हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव जो माइंड्स है जिस तरीके से वो सोसाइटी के अंदर काम करते हैं और सोसाइटी में उसी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है उसको मैं स्टडी करता हूँ। मेरा बड़ा शौक है। मैं पिछले दिनों अभी जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं मैंने उनसे कहा कि मैं टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ और उसके बाद बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। और मेरा यही शौक है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट करूँ, अपने आइडियाज उनको बताऊँ, उनसे मैं कुछ सीखूँ। आज की जो जनरेशन है बड़ी फास्ट जनरेशन है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनके माइंड में है, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है सोसाइटी के अंदर कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे देते तो हमें देना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं बच्चों को प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ और उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ और पॉजिटिविटी कैसे डेवलप हो इस पे काम करना चाहता हूँ। तो मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से एक प्यार भरा मैसेज कोई हमारे व्यूअर्स हमारे दर्शकों में। हम इस धरती पे आए हैं एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे एक्शंस हमारी एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे को ये लगे कि ये एक ह्यूमन की होता है। यही मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ। जी शुक्रिया सर। और ये थे हमारे साथ अखनूर से SDM श्री गोपाल सिंह जी, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजुरिया लाइट ऑफ नेशन से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।